हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की वीडियो की अगर बात करें तो वीडियो में हमारे पास 3 से लेकर 5 स्लाइड्स जो हैं वो रहने वाली हैं, तो एक एक करके सारी स्लाइड्स को हम देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखेंगे इस स्लाइड को, तो ये है कहाँ से, अयोध्या से। देखिए जो फर्स्ट गोल्डन गेट है, गोल्डन गेट मतलब सोने का, इंस्टॉल किया गया है कहाँ पर, राम मंदिर में। राम मंदिर जिसकी इनाग्रेशन जो कि अभी 22 जनवरी रखी है, ठीक है ना, उस दिन बहुत कुछ होने वाला, ड्राई डे भी कुछ स्टेट्स जो हैं वो उसको मना रही हैं, ठीक है ना, ड्राई डे भी उस दिन वो कुछ मनाएंगे, ठीक है। यूपी जो है, यूपी की गवर्नमेंट ने उस दिन क्या किया है कि जितने भी स्कूल्स हैं उन सब में क्या कर दिया, छुट्टी घोषित कर दिया, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर यूपी में की हैं, उड़ीसा है, ठीक है ना, तो एक स्टेट और भी है, ठीक है। बट फिलहाल यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं कि जो गेट है वो जो पहला इसमें एक फर्स्ट ये है गोल्डन गेट, ठीक है ना, जो कि इंस्टॉल किया गया कहाँ पर, राम मंदिर में, ठीक। अब नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो ये है कहाँ से, ये भी इसमें, एक्चुअली एक मिनट देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, ये भी यूपी से है, ठीक है। और ये इन दोनों की वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा शेयर की जा रही है, काफ़ी इसमें वायरल हो रही है ये वीडियो। एक्चुअली ये वीडियो क्यों हो रही है, क्योंकि ये दोनों क्या है, फीमेल हैं, दोनों औरतें हैं, ये दोनों लड़कियां हैं ये, और इन दोनों ने क्या किया, शादी की है, ठीक है ना, शादी कर दिया इन दोनों ने, ये मैरी कर दिया इन्होंने, ठीक है ना, मैरिड हो गई हैं ये, लड़की लड़की के साथ शादी कर गई, की कहाँ है, मंदिर में, ठीक है ना, मंदिर में इन्होंने क्या कर दिया, शादी कर दी है, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका क्या आगे रिजल्ट निकलता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, जो इसके बाद स्लाइड हमारे पास वो है कहाँ से, कानपुर से, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है, ठीक है। पुलिस ऑफिसर और अदर्स ने क्या किया, किडनैप किया स्टूडेंट को, फिर पी किया मतलब सुसु किया उसके मौत में, ओहो, वन बाई वन इन कानपुर, ठीक है ना, मतलब मुंह में उसके इसमें ये, ठीक है, समझ गया। तो ये देखिए, ये पुलिस ऑफिसर अगर ऐसा करेंगे तो फिर जो जो सोसाइटी है उसको कौन देखेगा, उसकी मतलब फिर जस्टिस कहाँ पर होगा, फिर जस्टिस कहाँ पर हो अगर ये लोग, इन लोगों के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई अच्छी न की गई तो फिर तो बहुत खतरा है मुल्क के लिए, ठीक है ना। चलिए, और उम्मीद करते हैं कि एक दूसरे के सबॉर्डिनेट भी होते हैं ना, एक के जैसे ये नीचे हैं, इनके ऊपर कोई है, फिर उनके ऊपर कोई है, तो कोई ना कोई ऊपर है, ठीक है ना, तो लास्ट कहाँ पर है, कोर्ट्स हैं, ठीक है ना, तो इनको भी सज़ा जो पुलिस ऑफिसर हैं अच्छी ही मिलेगी, आप इस चीज़ पर यकीन रखें, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल इस इंसान को भी ऐसी सज़ा मिलेगी ज़रूर, ठीक है ना, और ख़ासकर आज के टाइम में तो मिलना ही मिलेगी ही मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंजीनियर कोलैप्सिस ऑन पिच एंड डाइज ऑन हार्ट अटैक, ठीक है। देखिए एक इंजीनियर है, क्या कर रहा था वो, क्रिकेट खेल रहा था और आपस में क्या हुई, उनकी टक्कर हुई, रनिंग वगैरह या फिर वहाँ पिच पर क्या हुई, टक्कर हुई, और टक्कर ऐसी हुई उनकी कि एक की डेथ हो गई। चलिए नेक्स्ट, खेलते वक्त इस चीज़ को भी ध्यान रखना अपने, ठीक है। नेक्स्ट और आई थिंक ये लास्ट है हमारी, ठीक है, ये है इकोनॉमिस्ट मोहम्मद यूनुस, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस जो हैं ये इकोनॉमिस्ट हैं, बांग्लादेश ने जो बांग्लादेश का जो सुप्रीम कोर्ट है इनको क्या कर दिया है, सजा दी है, किस चीज़ की जेल, अवॉर्डेड जेल टर्म बाय बांग्लादेश का कोर्ट ने इसको क्या किया, जेल टर्म दिया। एक्चुअली ये मैंने क्यों लाया, ये कोई आम बनता नहीं है, ये नोबल पीस लॉरेट मतलब नोबल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस हैं ये, ठीक है ना। मोहम्मद यूनुस, इनके साथ साथ 3 कोलीग्स जो कि ग्रामीण टेलीकॉम से जुड़े हुए थे, और इनको कन्विक्टेड माना गया, मतलब इसमें इनको मुजरिम माना गया, ठीक है ना, ऑन मंडे फॉर वायलेटिंग बांग्लादेश लेबर लॉस, वायलेट किया इन्होंने बांग्लादेश की लेबर लॉस को, तो उसके चलते इनको भी जेल की सलाहों के पीछे जाना पड़ा। और ये एक्चुअली ये कोई गलत काम नहीं है, जो कोर्ट ने फैसला लिया गलत नहीं है, अगर ये बिल्कुल सही प्रूफ है, ठीक है ना। हाँ, कोर्ट ने देखा कि हाँ ये इसमें मुलविस है, मतलब गलत कामों में क्या है ये, उसकी वायोलेशन में ये पूरा पूरा इनका जिम्मा है, गलत काम हुआ है, तो फिर कोर्ट की नज़र में चाहे वो प्रेसिडेंट हो, फिर वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या फिर कोई MP हो, या MLA हो, कोई भी हो, कहीं भी रैंक उसका क्यों ना हो, कैसा भी हो, उसके लिए और एक आम इंसान के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो लॉ है, वो सबके लिए इक्वल होता है। तो यहाँ से ये भी एक
अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला है और उम्मीद करते हैं ऐसे ही रिजल्ट हमें दुनिया भर में हर एक कंट्री में देखने को मिलेंगे। सो फिलहाल यही थी हमारी अब तक की सबसे लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट अपडेट जो कि आप तक पहुंचाई है। आपको ये अपडेट कैसी लगी है कमेंट करके जरूर दें, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलिए रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।